मेरा हमेशा से एक सपना रहा था कि मैं अपने बाइक से इंटरनेशनल राइड करूं। फिर मैंने सोचा पहले छोटे से शुरुआत करते हैं, पहले नेपाल ही घूम लेते हैं। अब इतने लंबे सफ़र के लिए पार्टनर भी तो चाहिए। तो मेरा पहला पार्टनर रहा TVS Apache और दूसरा यंगेस्ट राइडर जिसने मेरे साथ सिर्फ बद्रीनाथ की राइड की अपनी होंडा ग्राजिया पर। तो बस फिर क्या था, हम निकल पड़े धरती पर छोटा स्वर्ग ढूंढने नेपाल राइड के लिए। हाँ तो भाई, फ्यूल है बिल्कुल एम्प्टी और फटाफट से कराते हैं इसको रिफ्यूल और निकलते हैं आगे के लिए। भैया पावर है? भैया नॉर्मल है, आई डोंट नो पावर नहीं है, HP पे होगा। तो भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे नेपाल के पहले एपिसोड में। और अभी हमें किनार प्लेस में और चलते हैं सामने वाले पेट्रोल पंप पे और देखते हैं वहाँ पे पावर है तो पावर डलवाएंगे वरना नॉर्मल पेट्रोल डलवाएंगे। नॉर्मल पावर नहीं होगी क्या? कर दो फिर। अभी पेट्रोल है 70 रुपये 54 पैसे लीटर। तो भाई समय हो रहा है शाम के 7:19 और ये जो नेपाल की ट्रिप है ये 3 दिन पहले शेड्यूल की गई थी। और प्लान के हिसाब से कुछ ऐसा था कि आज मॉर्निंग में हमें निकलना था नेपाल के लिए, बट कुछ इमरजेंसी काम की वजह से मैं निकल नहीं पाया। तो जो अभी मेरे बाकी साथी हैं वो आगरा में हैं, तो अभी हमें पहुंचना है फटाफट से आगरा, उसके बाद सुबह सीधा निकलेंगे नेपाल के लिए। तो चलो फटाफट से कवर करते हैं आगरा। सो हमारा जो रूट है नेपाल का वो कुछ इस तरह से है कि अभी मैं हूँ कनॉट प्लेस में और यहाँ से नोएडा के रास्ते यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ते हुए आगरा जाऊँगा, वहाँ स्टॉप लूँगा। फिर वहाँ से लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ते हुए लखनऊ, अयोध्या होते हुए बस्ती के रास्ते गोरखपुर से निकलते हुए सुनौली बॉर्डर, और सुनौली बॉर्डर जो है वो हमारा नेपाल का बॉर्डर है। गाइस अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे के टोल पे पहुंच चुके हैं, हम देखते हैं यहाँ से आगरा तक का कितना टोल लगता है। आगरा तक का 205 सीधा वहीं एंड होगा ना? हाँ जी आगरा तक। कार्ड से कैश? कार्ड हो जाएगा, कैश एक तरफ का ही है ना? एक तरफ का दिखानी आगे दो टोल क्या दो टोल और पड़ेंगे आगे ऊपर से। अच्छा आगे दो टोल है उनका स्लिप दिखानी है। सो गाइस टोल हमें पड़ा है 205 रुपये का आगरा तक का। साढ़े 10 बज चुके हैं और हम फाइनली उनके लोकेशन तक पहुंच चुके हैं और वो खड़ी उनके सामने गाड़ी। तो चलो रोकते हैं और आराम करते हैं। तो भाई लोग मेरा हाफ टैंक हो चुका है खाली, तो फटाफट से करा लेते हैं रिफ्यूल, उसके बाद मिलते हैं सीधा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। यह है टोल लखनऊ एक्सप्रेसवे जितने जाने का, अब देखें कितने का टोल है। पेटीएम भी एक्सेप्टेड है। लखनऊ 4858 लखनऊ लखनऊ के आगे भी है। नहीं लखनऊ के आगे नहीं है। आप कहाँ जा रहे हो लगे? लखनऊ। हाँ लखनऊ। 295 तो यार गाइस ये है लखनऊ एक्सप्रेसवे जो कि आगरा टू लखनऊ जाती है और अपने को टोल पड़ा 295।
तेज मत चलाना। यहाँ जो बड़ी गाड़ी आती है ना वो स्पीड से आती है, और ये स्कूटरी है ना ऐसे हो जाएगी, साइड में लेके चलना, ऐसे हो जाएगी ना, ऐसे हो जाएगी और भविष्य के लिए। हाँ हाँ अंकल, हुआ जो उसकी ऐसे हो जाएगी, इसलिए स्पीड मत चलाना स्कूटरी। हाँ जी, ये कवर कर लेती है पर ये नहीं कर पाती, ये हल्की है थोड़ी। धन्यवाद अंकल। सो भाई लोग, अभी है मैं इंडिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, जो कि 302 किलोमीटर लंबी है। ये आगरा से स्टार्ट होती है, लखनऊ तक जाती है, या यूँ कह लें लखनऊ से आगरा तक के लिए। तो आज की डेट में हमें अयोध्या कवर करना है, तो चलो फटाफट से कवर कर लेते हैं। मतलब यार, हमेशा खुद की गलतियों की वजह से एक्सीडेंट नहीं होते, कभी कभी ना किस्मत भी ख़राब होती है। वो बंदा बिल्कुल आराम से आ रहा था, अब हुआ ये कि उसकी गाड़ी का जो टायर है उसका एयर प्रेशर ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से टायर फट गया और गाड़ी वहीं की वहीं घूम गई। तो बाइक चल चुकी है 130 किलोमीटर अप्रोक्स, वो भी नॉन स्टॉप। तो इंजन को देते हैं थोड़ा विश्राम, 10-15 मिनट रुकते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं आगे के लिए। ज़बरदस्त लाजवाब बादल, ऊपर से ज़बरदस्त रोड, मतलब मज़ा ही आ रहा है। कैमरे में शायद आप लोगों को ना दिख पाए, लेकिन असली में यहाँ पे काफ़ी इंजॉयमेंट वाले राइड हो रही है, और अगर पूरे रास्ते ऐसा ही मौसम है तो राइड करने का मज़ा ही आ जाएगा। भाई अभी 2 मिनट पहले पता है क्या हुआ, उस समय मेरा कैमरा ऑफ था, नहीं मैं आपको ब्लॉग में जरूर दिखाता। मेरे बगल से वोल्वो टूरिस्ट बस निकली है, जो कि मैं था अप्रोक्स 122 के स्पीड में, और वो मेरे बगल से इतनी स्पीड से निकली है, वो आराम से होगी 135-140 की स्पीड। तो इससे ये समझ आता है कि इस एक्सप्रेस वे पे बिल्कुल ध्यान से चलाना है मेरे को। सो आधे किलोमीटर बाद है रेस्टोरेंट एंड पेट्रोल पम्प, तो वहाँ रोक के थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे के लिए निकलते हैं। रेस्टोरेंट एंड पेट्रोल पंप आपको इस एक्सप्रेस वे पे 3 से 4 देखने को मिल जाएंगे आराम से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया हम खुद यहाँ के लोकल नहीं हैं, हम नहीं आ रहे डिब्बे से। अब ये हाईवे पे मदद मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने दूसरा दे देता हूँ। पेट्रोल पंप तो होगा आगे, तो खत्म था। तो टकमगा जी बताऊँ, तो भाई लोग ये है लखनऊ एक्सप्रेस वे का दूसरा टोल, जो कि शायद एग्जिट पॉइंट होगा वाला, और अगर इनको स्लिप स्लिप दिखानी पड़ेगी उसके बाद पता चलेगा। साथ में यार,
ये लीजिए। मर गया पूरा गाड़ी का। 4858 पर्ची भी मिलने के जाऊँ हो गया। तो अभी हम कर रहे हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे को एग्जिट। अब लखनऊ के रास्ते फैजाबाद से होते हुए अयोध्या पहुंचेंगे। सो फाइनली हमें दिख गई है एक छोटी सी दुकान और हम लखनऊ एक्सप्रेसवे को एग्जिट करते हुए लखनऊ के अंदर घुस चुके हैं और फटाफट से लखनऊ के अंदर से एग्जिट करना है और हमें पहुंचना है फैजाबाद के रास्ते अयोध्या। तो भाई लोग अभी हम लखनऊ में हैं और शाम के 5 बज चुके हैं और यहाँ से अयोध्या भी रहता है 125 किलोमीटर अप्रोक्स। तो पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा इतना पक्का है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो एक बाइक पे 4-4 लोग, वो भी बिना हेलमेट के। जहाँ तक मैंने सुना है यूपी में ड्राइविंग करना काफ़ी मुश्किल है, मतलब ख़तरनाक है, बिकॉज यहाँ पे लोग कहीं से भी अचानक से आते हैं, गाय वाय रोड पे आती है और भी कई रीजन्स हैं। तो यहाँ पे हमें संभल के चलाना पड़ेगा। लो जी, लखनऊ में भी ट्रैफिक, और ये है लखनऊ की ट्रैफिक पुलिस, कर रही है लोगों को चलान। भाई लोग बीच में अपना GoPro मैंने टर्न ऑफ कर दिया था बिकॉज मेरा SD कार्ड लगभग फुल होने वाला था। सो अभी हम पहुंच चुके हैं अयोध्या, लगभग 5-6 किलोमीटर रहता है, तो अभी 10-15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे अयोध्या। और नेपाल के जो बाकी के एपिसोड्स हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाइए देखिए और अपना प्यार दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।